The next question related to the hijab and how women should respond on being treated with suspicion। बात यह है हिजाब पहनने को मायूब सिर्फ वहाँ तो नहीं समझा जाता यूरोप में भी समझा जाता है यूरोप में कई बज ममालिके हैं जहाँ कानून पास किए गए हैं कि हिजाब नहीं पहनना या बाज़ पब्लिक जगहों पे हिजाब नहीं पहनना बल्कि जुर्माना और सजा है उसके बावजूद जो ईमान पर कायम औरतें और बच्चियाँ हैं नौजवान वो हिजाब पहनती हैं आपने ये फ़ैसला करना है कि आया आपने खुदा ताला की बात माननी है और उसके लिए हर तकलीफ़ और हर इस और हर गलत किस्म के रिमाग को बर्दाश्त करना है या इन चीज़ों से डर के लोगों की बातें माननी शुरू कर देनी है और माशरे की जो चाल है उसके पीछे चलना शुरू कर देना है तो ये फ़ैसला तो आपने करना है एक मोमिन औरत को मज़बूत ईमान होना चाहिए जब यह ईमान है कि क़ुरान करीम की तलीम एक ऐसी तलीम है जो हमेशा के लिए है और हमेशा कायम रहने वाली है और जब यह ईमान है कि आखिरी शरी किताब है और इसके जो अकाम हैं वो आखिरी और हमारी बेहतरी और बका के लिए हैं तो फिर इस बात पर कायम हो जाएँ कि ये कर्न करीम का हुक्म है कि औरत को हिजाब लेना चाहिए पर्दा करना चाहिए तो ये आपने देखना होगा ये फ़ैसला करना होगा कि आपने अपने ईमान की हिफाजत करनी है और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो कायम किया है उसको कायम रखना है और उसकी बात माननी है या माशरे से डर के इन छोटी 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 बातों पे घबरा घबरा के और परेशान होके उस तालीम को अमल करना छोड़ना है तो ये तो आप पे डिपेंड करता है आप ख़ुद फैसला करें क्या चीज़ चुननी है आपने और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक औरत, एक अहम नहीं ममिन लड़की बची नौजवान और और औरत इस बात पर कायम रहेगी कि उसने जब मसीह मौद और महदी मौत को माना है तो उस तलीम पर अमल करना है जो कुर करीम की तलीम है और जिस पर अमल करवाने के लिए अल्लाह ताला ने इस ज़माने में मुसी मौत को भेजा था ठीक है